नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ને હું છું લુબના ખાન. જે તમામ મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સમાચાર સુપર ફાસ્ટ માં. અમિત શાહ ની અધ્યક્ષતા માં કમલમ માં મંથન. ચાર બેઠકો ના ઉમેદવારો અંગે થઈ રહ્યું છે મંથન. માંજલપુર, ગરબાડા, ખેરાલુ, માણસા બેઠક ને લઈને કરાઈ રહ્યું છે મંથન. કોંગ્રેસ ના 41 ઉમેદવારો ની જાહેરાત બાકી. અત્યાર સુધી માં 138 ઉમેદવારો ની યાદી કરાઈ જાહેર. ત્રણ બેઠકો પર કોંગ્રેસ એનસીપી વચ્ચે થયું છે ગઠબંધન. जो कि बीजा तबका की चूंटी में नाम हजू बाकी. चूंटी पूर्व भाजपा चार उम्मीदवारों की जाहरात बाकी. भाजपे 178 उम्मीदवारों नाम कराया जाहिर. खेरालू, माणसा में जलपुर और गरबाड़ा उम्मीदवारों की जाहरात बाकी. मोरबी ब्रिज दुर्घटना अंगे हाईकोर्ट में सुनवणी थी. हाईकोर्टे राज्य सरकार ने कराया विधेयक सवाल. चीफ ऑफिसर सामे શું પગલા લેવાયા તેને લઈને સવાલ કર્યા. ઝૂલતા પુલની તમામ ફાઇલો સીલ કરવાનું હાઈકોર્ટનું સૂચન. ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર કરી. કોંગ્રેસે 40 સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર કરી. યાદીમાં સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી અને કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ખડગેજીનો સમાવેશ કરાયો. અમદાવાદની વટવા સીટ પરથી કોંગ્રેસમાં વિરોધ યથાવત. સ્થાનિક ઉમેદવારની માંગ સાથે કાર્યકરોનો વિરોધ. विरोध जोता प्रदेश कांग्रेसे गंभीर नोंध लईने फेर विचारणा शुरू करी. गुजरात कांग्रेसना प्रभारी रघु शर्मा अमरेलीना प्रवासे. अमरेलीना तमाम उम्मीदवारों साथे करी मुलाकात. आगामी 22 तारीखे राहुल गांधी नी सौराष्ट्र में सभा. आगामी 2 दिवस में समय अने स्थल नी जाहेरात करशे. दाहोद कांग्रेस ने वधु एक झटको लाग्यो. पालिकाना 3 सभ्यो भाजपा जोड़ाया. समर्थकों साथे पालिकाना सभ्योए केसरिया कर्या. गरबाड़ा तालुका पंचायत की 3 बैठकों ना सभ्यों भाजपा जोड़ाया. अमदावाद केंद्रीय बाल अने महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमदावाद एरपोर्ट पहुंचे. अमदावाद थी आणंद जवा रवाना थया. इंडोनेशिया ना बाली में पीएम मोदी G20 समिट में भाग लीधो. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साथ पीएम मोदी मुलाकात करी. साथ ज भारतीय मूळना लोगों ने पीएम मोदी संबोधन पण कर्युं. पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर आदिवासी समाज ने संबोधन कर्यू. जनजाति गौरव दिवस अवसरे संबोधन करीने केंद्र ने राज्य सरकार ने आदिवासी कल्याण योजना की माहिती आपी. भरूचनी झगड़िया बैठक पर भाजपनु फॉर्म रद्द करवानी बीटीपी की मांग. बीटीपी उम्मीदवार महेश वसावाए करी अरजी. भाजपना उम्मीदवार पर महेश वसावा आक्षेप. कहू भाजप उम्मीदवार रितेश वसावा आदिवासी नहीं. सौराष्ट्र ने दक्षिण गुजरात में फॉर्म भराया बाद प्रचार युद्ध शुरू. भाजप कांग्रेस नेताओं ने सभा ने रोड शो थी कर्यु शक्ति प्रदर्शन. अमदावाद ना नारणपुरा विस्तार ना भाजप उम्मीदवार जितेंद्र पटेले फॉर्म भर्यु. फॉर्म भरता पहला नारणपुर में योजी रेली. जितेंद्र पटेले जीत नो विश्वास व्यक्त कर्यो. अमदावाद ना वेजलपुर बैठक ना भाजप उम्मीदवार अमित ठाकरे भर्यु फॉर्म. विशाल बाइक रेली योजी पहुंचा था फॉर्म भरवा. सांसद नरहरी अमीन सहित नेताओं साथे रहा उपस्थित. विधानसभा की चूंटणी अंगे अमदावाद में उम्मीदवारों प्रचार शुरू. खाड़िया थी भूषण भट्ट फॉर्म भरता पहला रेली योजी प्रचार कर्यो. मेरड़ी माता ना दर्शन करीने रेली की शुरुआत करी. साणंद बैठक पर भाजप उम्मीदवार कनुभाई पटेले फॉर्म भर्यु. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रहेशे हाजर. साणंद प्रांत कचेरी भरशे उम्मीदवारी पत्र. अमदावाद की निकोल बैठक ना उम्मीदवार जगदीश पंचाले शक्ति प्रदर्शन करी फॉर्म भर्यु. राज्य कक्षा ना मंत्री जगदीश पंचाले सभा योजी. जगदीश पंचाले फॉर्म भरता पहला समर्थकों ने मळ्या. अमदावाद में नरोडा ना भाजपा उम्मीदवार पायल कुकरानी ए नामांकन पत्र भर्यु. उम्मीदवार फॉर्म भरी ने जीतनो विश्वास व्यक्त करीने कह्युं कि गुजरात की विकास यात्रा आगळ धपावशे. अमदावाद एलिस ब्रिज बैठक पर भाजप उम्मीदवार अमित शाहे भर्यु फॉर्म. अमित शाहे जीतनो विश्वास कर्यो व्यक्त. अमित शाह की साथ गोर्धन झड़फिया पण हाजर रह्या. विरमगाम बैठक पर भाजप उम्मीदवार हार्दिक पटेले भर्यु उम्मीदवारी पत्र. विधानसभा बैठक विरमगाम माते भाजपे हार्दिक पटेल ने आप्यु मेंडेट. बनासकांठा डीसा बैठक पर भाजप उम्मीदवार प्रवीण माड़ीए भर्यु उम्मीदवारी फॉर्म. डीसा में योजी सभा. नायब कलेक्टर कचेरीए प्रवीण माड़ीए भर्यु उम्मीदवारी पत्र.
अरवली मोड़ासा बैठक पर भाजपा उम्मीदवार तरीके भीखू सिंह परमारे भर्यू फॉर्म। भाजपे फरी वार उम्मीदवारी तरीके पसंदगी करता नोंधावी उम्मीदवारी। मोटी संख्या में बहुमती थी जीतनो आशावाद व्यक्त कर्यो। बनासकांठा की वड़गाम बैठक में भाजप उम्मीदवार भर्यू फॉर्म। मणिलाल वाघेलाए नोंधावी उम्मीदवारी। सभा योजाया बाद समर्थकों साथे पहुंचा था मामलतदार कचेरी। बनासकांठा की वड़गाम बैठक पर भाजप उम्मीदवार मणिलाल वाघेलाए फॉर्म भर्यू। मामलतदार कचेरीए समर्थकों साथे उम्मीदवारी फॉर्म भर्यू। मणिलाल वाघेलाए जनसभा ने कर्यु संबोधन। आणंदनी सोजित्रा ने आणंद बैठक में भाजपा उम्मीदवार भर्यू फॉर्म। विपुल पटेल और योगेश पटेले उम्मीदवारी नोंधावी। सीएम भूपेन्द्र पटेल की हाजरी में भर्यू फॉर्म। राजकोट दक्षिण उम्मीदवार रमेश टीलाणाए शुरू कर्यो प्रचार। रमेश टीलाणाए भाजपा टिकट थी राजकोट दक्षिण में भर्यू उम्मीदवारी पत्र। चूंटणी जंग में उतरता तेमणे खोडलधाम ट्रस्ट में आप्यु राजीनामु। पाटणना चाणसमा में भाजप उम्मीदवार दिलीप ठाकोरे भर्यू उम्मीदवारी पत्र। जेमां सीआर पाटिले आप्यु निवेदन। कह्युं जनमेदनी नो वीडियो वायरल थशे तो कांग्रेस नो उम्मीदवार फॉर्म भरवा नहीं जाए। जंगी मतोथी जीतनो विश्वास व्यक्त कर्यो। टंकारा बैठक पर कांग्रेस ना आक्षेप पर मोहन कुंडारियाए आप्यो जवाब। सोगंदनामा नील थवा अथवा लीटी करवा भूल नथी। चूंटणी पंचनी गाइडलाइन ने टांकीने कर्यो खुलासो। अरवली में भिलोड़ा बैठक में पीसी बरंडाए भर्यू नामांकन पत्र। फॉर्म भरता समय मोटी संख्या में समर्थकों रहा हाजर। राज्यसभा सांसद रमीलाबेन बारा रहा उपस्थित। डेडियापाड़ा भाजप उम्मीदवार हितेश वसावाए फॉर्म भर्यू। फॉर्म भरता पहला विशाल रेली योजी कर्यू शक्ति प्रदर्शन। मोटी संख्या में लोग शक्ति प्रदर्शन में जोड़ाया। अरवलीना भिलोड़ा थी पूर्व आईपीएस अधिकारी पीसी बरंडाए फॉर्म भर्यू। भाजपे पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आपी छे टिकट। फॉर्म भरता पहला मेघरजना श्री कंटाड़ो हनुमानजी मंदिर में दर्शन कर्या। अमदावादनी दसक्रोई थी भाजपना उम्मीदवार बाबू जमना पटेले भर्यू फॉर्म। केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हाजर रहा। बाबू जमना पटेले जीतनी आशा व्यक्त करी। बाड़ बैठक में भाजप उम्मीदवार भीखीबेन परमारे जीत विश्वास कर व्यक्त। मतदारों सारा प्रतिसाद थी भाजप जंगी बहुमती थी जीत छे। साणंद में कनु पटेले भाजप पक्ष में भरी उम्मीदवारी फॉर्म। गृहमंत्री अमित शाह की हाजरी में भरी उम्मीदवारी फॉर्म। अमित शाह जीत विश्वास व्यक्त करता कहू साणंद की बैठक तमाम विक्रमों तोड़ी नाखशे। अमदावादनी दरियापुर बैठक में भाजप उम्मीदवार कौशिक जैने उम्मीदवारी नोंधावी। फॉर्म भरता समय पूर्व राज्य गृहमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा रहा हाजर। कौशिक जैने जीतनो विश्वास व्यक्त कर्यो। पंचमहाल जिलानी शहरानी बैठक पर भाजप उम्मीदवारे फॉर्म भर्यू। जेठाभाई भरवाड़े भर्यू फॉर्म। रेली काढ़ी प्रांत कचेरी पहुंचा था। रेली में मोटी संख्या में समर्थकों जोड़ाया। टंकारा भाजप उम्मीदवार सोगंदनामू मान्य राखवामां आव्यु। भाजप उम्मीदवार सोगंदनामू सुधार्या बाद मान्य राख्यु। फॉर्म रद्द करवा ललित कगथराए करी हती मांग। वलसाड़ जिलानी पारडी बैठक पर कनु देसाई उम्मीदवार। सतत त्रीजी वखत टिकट मळता कार्यक्रम में उत्साह नो माहौल। जीतनी हेट्रिक लगावा प्रचार अभियान शुरू। भाजप नेता हार्दिक पटेले विरमगाम में जंगी सभा योजीने शक्ति प्रदर्शन कर्यू। हार्दिक और अल्पेश एक साथ देखाया। हार्दिक ने नानो भाई गणावी जीताड़वा करी अपील। मोटी संख्या में भाजप नेताओं उपस्थित। राधनपुर विधानसभा भाजप उम्मीदवार लविंगजी ठाकुर डांस नो वीडियो थयो वायरल। लविंगजी ठाकुर ढोलना ताले गामडानी आगवी अदा में झूमी उठ्या। टिकट मळ्या बाद भाजपना कार्यकर्ताओं में उत्सव नो माहौल। अरवली बायडना भाजप उम्मीदवार विरोध अंगे भीखी परमार नो निवेदन। लोभ लालच आपी समर्थकों पास विरोध करावाय छे। भाजप शिस्त धरावती पार्टी छे। मारी टिकट कैंसल नहीं थाय एनो मने भरोसो। गांधीनगर दक्षिण थी भाजपे अल्पेश ठाकुर ने आपी टिकट। 17 नवेम्बरे अल्पेश ठाकुर भरशे उम्मीदवारी पत्र। विजय मुहूर्त में भरशे फॉर्म। साबरकांठा हिम्मतनगर में भाजपा उम्मीदवार थी स्थानिक कार्यक्रमों में जोवा मळी नाराजगी। वीडी झाला नाम जाहिर थता नाराजगी दर्शाता लाग्या पोस्टर। वडोदरा करजण में भाजपे टिकट न आपता सतीश निशाड़िया कर्यू शक्ति प्रदर्शन। स्नेह मिलन नामे शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस पर टिकट न आपे तो अपक्ष लड़वाना संकेत आप्या। आणंदनी पेटलाद विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार कमलेश पटेल जाहिर। कार्यकर्ताओं फूलहार पहरावीने कमलेश पटेल ने आपी शुभेच्छाओं। भाजपा आगेवानों में खुशीनो माहौल।
साबरकांठाना प्रांतिज अने तलोदमां कार्यालय खुल्ला मुकाया। प्रांतिजना उम्मीदवार गजेन्द्रसिंह परमारे कार्यालय खुल्ला मुक्या, कार्यकरो हाजर रह्या। बैड बैठक पर धवलसिंह ने टिकट नहीं मिलता, समर्थकों कमलम पहुंचा, कमलम पहुंची ने कर्यो हल्ला बोल। भाजपना महामंत्री प्रदीपसिंह वाघेलाए खातरी आपी कि धवलसिंह की बात योग्य जगह पहुंचाड़ाशे। अमदावादनी अमराईवाड़ी बैठक पर कांग्रेस उम्मीदवारी नोंधावशे। फॉर्म भरता पहला धर्मेन्द्र पटेले मूंगी दाट कार और जीप में काढ़ी रेली। रेली में डीसी मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी कार आकर्षण केन्द्र। अमदावादनी ठक्कर बापा नगर बैठक ना कांग्रेस उम्मीदवारे भर्यु फॉर्म। विजय ब्रह्म भट्टे कांग्रेस 125 बैठक थी जीतशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो। असारवाना भाजपना उम्मीदवार दर्शनाबेन वाघेलाए उम्मीदवारी नोंधावी। समर्थकों साथे फॉर्म भरवा पहुंचेला दर्शनाबेन ने सारा काम करवानी खातरी आपी, जीतनो विश्वास व्यक्त कर्यो। धोराजी उपलेटा विधानसभा बैठक ना कांग्रेस उम्मीदवार ललित वसोयाए करी जाहेरात। कह्यु गत टम्मा धारासभ्य तरीके मळेला तमाम पगार आरोग्य सुविधा में आप्या। आ टम्मा चूंटाईने आवीश तो तमाम पगार आरोग्य सुविधा माटे वापरवामां आवशे। दाहोद कांग्रेसना त्रण सभ्यो भाजपमां जोड़ाया। गरवाड़ा तालुका पंचायतनी त्रण बैठकना सभ्यो केसरियो धारण कर्यो। जिला भाजप प्रमुख शंकर आमलियारे खेस पहेरावीने आवकार्या। गीर सोमनाथनी उना बैठकना कांग्रेस उम्मीदवार पर फॉर्ममां माहिती छुपाव्यानो आक्षेप। भाजप उम्मीदवार काडू राठोड़े पूंजावंश पर कर्यो आक्षेप। पूंजावंशनुं फॉर्म रद्द करवा भाजप उम्मीदवारनी मांग। वडोदरानी रावपुरा विधानसभा बैठकना कांग्रेस उम्मीदवारे भर्यु फॉर्म। फॉर्म भरता पहला संजय पटेले यूजी रेली। उम्मीदवारे 15,000 नी लीड थी जीतवानो विश्वास व्यक्त कर्यो। बनासकांठानी सुईगाम बैठकना कांग्रेस उम्मीदवार गेनीबेन ठाकोरे फॉर्म भर्या बाद यूजी जाहिर सभा। शक्तिसिंह गोहिल राजस्थान सरकारना पद्माराम मेघवाल सहितना आगेवानो हाजर रह्या। सभा में हजारों लोग रह्या हाजर। मोरबी टंकारा बैठकना भाजपना उम्मीदवारनु फॉर्म रद्द करवानी कांग्रेस उम्मीदवारे करी मांग। कांग्रेस उम्मीदवार ललित कगथराए फॉर्म रद्द करवा कारणों आप्या। कांग्रेस उम्मीदवारे चूंटणी पंचने रजूआत करी। बनासकांठाना वड़गामना कांग्रेसना उम्मीदवार जिग्नेश मेवाणीए योजी सभा। कन्हैया कुमार साथे बीजा आगेवानो उपस्थित रह्या। जिग्नेश मेवाणी सभाने संबोधी भरशे उम्मीदवारी फॉर्म। अमदावाद कांग्रेस कार्यालय पर भरतसिंह सोलंकीना समर्थन में आया कार्यकर्ताओं। भरतसिंह सोलंकी ने सपोर्ट करता बैनर्स लगाया। सोमवार एनएसयूआई कार्यकर्ताओं कर्यो हतो विरोध। सोमवार एनएसयूआई कार्यकर्ताओं शाहनवाज शेखना समर्थन में कर्यो हतो विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं शाहनवाज ने सस्पेंड करने की मांग की। विरोध करनाराओं की जमालपुर खाड़िया बैठक पर उम्मीदवार बदलवानी मांग। अमदावाद नरोडा में एनसीपी उम्मीदवार निकुलसिंह तोमरे भर्यु फॉर्म। निकुलसिंह तोमरे कांग्रेस मैंडेट पर लड़से चूंटनी। रेली यूजी पहुंचा था फॉर्म भरवा। कांग्रेस एनसीपी वच्चे त्रण बैठकों पर गठबंधन। अमदावाद दरियापुर बैठक पर कांग्रेस उम्मीदवार ग्यासुद्दीन शेखे भर्यु फॉर्म। साइकिल चलावी ने समर्थकों साथ फॉर्म भरवा पहुंचा। 20,000 की लीड थी फरी धारासभ्य बनवानो विश्वास कर्यो व्यक्त। अमदावाद वेजलपुरना कांग्रेस उम्मीदवार राजेन्द्र पटेल समर्थकों साथे फॉर्म भर्यु। राजेन्द्र पटेले बहुचर माताजी ना दर्शन अने गौ पूजन कर्यु। राजेन्द्र पटेले वेजलपुर बैठक पर जीतनो विश्वास कर्यो व्यक्त। बनासकांठाना वावना उम्मीदवार गेनीबेन ठाकोर की ट्रेक्टर रेली। गेनीबेन ठाकोरे पोताना निवासस्थाने थी ट्रेक्टर पर कर्यु शक्ति प्रदर्शन। भाबरथी शुरू थईने सुईगाम सुधी रेली नुं आयोजन करवामां आव्युं। મોરબીમાં કોંગ્રેસના અંદાજે 500થી વધુ કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં જોડાયા। કાંતિલાલ અમૃતિયાના કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે જોડાયા। પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી ખીસ પહેરાવીને ભાજપમાં આવકાર્યા। તો હવે નજર કરીશું મહત્વની ટોપ 3 ન્યૂઝ પર। प्रधानमंत्री मोदी 19 अने 20 नवम्बर आवशे गुजरात। वापी में रोड शो उपरांत सौराष्ट्र में 4 जनसभा ने संबोधन करशे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात में फरी भाजप सरकार बनशे अने भूपेन्द्र पटेल ज बनशे मुख्यमंत्री। न्यूज 18 ना गुजरात अधिवेशन कार्यक्रम में बोलिया अमित शाह। કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમનું નામ ફરી સરદાર પટેલ કરવાના વાયદા પર શાહનો પ્રહાર। કહ્યું કોંગ્રેસને સરદાર સાહેબનું નામ લેવાનો પણ નથી અધિકાર।
तो बुलेटिनमां हाल रोकाईशुं एक ब्रेक माटे, आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। वेलकम बैक, नजर करीशुं महत्वपूर्ण समाचार पर। अर्बुदा सेना चूंटणी में कोई राजकीय पक्ष ने नहीं करे समर्थन, विपुल चौधरी सहित अर्बुदा सेना कोई सभ्य चूंटणी नहीं लड़े, कोई राजकीय चर्चा नहीं। रेशमा पटेल आप में जोड़ाए तेवी शक्यता, सूत्रों की मिलती माहिती मुजब रेशमा पटेले केजरीवाल कर्यो हतो संपर्क, एनसीपी में रेशमा पटेल ने टिकट न मळता नाराज। भाजप उम्मीदवारों की चौथी याद जाहिर करी, चौथी याद में 12 उम्मीदवारों ने टिकट अपाई, गांधीनगर दक्षिण की अल्पेश ठाकुर ने टिकट मिली, राधनपुर की लविंगजी ठाकुर और पेटला की कमलेश पटेल ने मिली टिकट। हिम्मतनगर की वीडी झाला ने टिकट मिली, कालोल की बकाजी ठाकुर, पाटण की डॉक्टर राजुल देसाई, सयाजीगंज की केयू रोकड़िया, झालोद की महेश भूरिया और मेहंदाबाद की अर्जुन सिंह चौहान ने मिली टिकट। गुजरात अधिवेशन कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह मोटू निवेदन, कहीं गुजरात में भूपेन्द्र पटेल नेतृत्व में सरकार बन से, आ वक्त की चूंटी में भाजप तमाम रेकॉर्ड तोड़। आम आदमी पार्टी पर अमित शाह निवेदन, कहूं कि गुजरात तीजा पक्ष ने क्यारे स्वीकारत नहीं, अगौ पर केशुभाई और शंकर सिंह पार्टी बनाई थी परंतु निष्फल रहा। चूंटणी पूर्वे भाजप में नाराजगी अंगे अमित शाह निवेदन, गुजरात भाजप में कोई नाराजगी नहीं, कोई ये बड़वो करियो नहीं, तमाम नेता भाजप ने जीताड़वा माटे कटिबद्ध। कांग्रेस ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम सरदार पटेल करवाना वायदा पर शाह नो प्रहार, कहूं कांग्रेस ने सरदार साहेब नाम लेवानो पण नथी अधिकार। गुजरात अधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल निवेदन, कहूं कि गुजरात देश मोटू औद्योगिक हब बन्यू, गुजरात में छे सौथी वधारे रोजगारी। भरूच की झगड़िया बैठक पर छोटू वसावाए नोंधावी अपक्ष उम्मीदवारी, छोटू वसावा मोटी संख्या में समर्थकों साथ उम्मीदवारी फॉर्म भरू, कहूं कि हूं ज्यां उभो रहूं त्यां ज पार्टी बनी जाए। भरूच की झगड़िया बैठक पर भाजप उम्मीदवार फॉर्म रद्द करने की अर्जी नकारी, बीटीपी उम्मीदवार महेश वसावाए चूंटणी पंच ने की रजूआत, रितेश वसावा उम्मीदवारी पत्र नियम अनुसार होवाथी मान्य राख्यू। राजकोटना मोटा महुआनी सोसायटीओ में लाग्या चूंटणी बहिष्कार बेनरो, मनपा में समावेश करियाना 2.5 वर्ष बाद पण प्राथमिक सुविधाओं अभाव, स्थानिकोए प्राथमिक सुविधा नहीं तो वोट नहीं ना सूत्रों उच्चारिया, आरएमसी वेरो उघराती छता स्थानिको वंचित छे प्राथमिक सुविधाओं की, 15 जेटली सोसायटीओ में लाग्या बेनरो। बनासकांठा वालेर में मावजी देसाई समर्थन में योजाई जाहिर सभा, धानेरा तेमज दांतीवाड़ा तालुका इतर समाज के लोग जाहिर सभा में उपस्थित रहा। डीसा मार्केटयार्ड चेयरमैन मावजी देसाई अपक्ष चूंटणी लड़े तेवी शक्यताओ, भाजप और कांग्रेस बंने पक्षे चौधरी समाज उम्मीदवारों ने टिकट आपता इतर समाज में फैलायो रोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवशे गुजरात प्रवासे, वापी ने वलसाड में करशे रोड शो, 19 नवेम्बरे वलसाड में सभा नुं आयोजन, पीएम आवाना होवाथी भाजपना उम्मीदवारों में उत्साह। पीएम मोदी 30मीए दादरानगर हवेली प्रवासे जशे, नमो मेडिकल कॉलेज नुं लोकार्पण करशे, दमण दादरानगर हवेली में विकास कामों नुं लोकार्पण करशे। प्रशासक प्रफुल्ल पटेले ग्राम्य पंचायत थी लेने जिला पंचायत सुधीना तमाम चूंटायेल सभ्य राजकीय ने सामाजिक अग्रणी साथ करी मुलाकात, पीएम ना कार्यक्रम ने सफल बनावा माटे अभिप्राय मेळव्या। पीएम मोदी ना आगमन ने लेने ठेर ठेर रंगोली, रक्तदान कैंपो, तिथि भोजन जेवा सेवाकीय कार्यक्रमों नो आयोजन, परंपरागत वेशभूषा में सभा में आवा सहित मामले मुलाकात में चर्चा। राहुल गांधी 22 नवेम्बरे गुजरात आवशे, गुजरात कांग्रेसे राहुल गांधी ने गुजरात आवा आप्यु आमंत्रण, गुजरात में अमरेली में वासदा में जनसभा ने संबोधित राहुल। द्वारका में पुलिस तंत्र की फ्लैग मार्च योजाई, शहर में विविध संवेदनशील मतदान मथक विस्तारों में फ्लैग मार्च योजाई, कार्यक्रम में डीवाईएसपी सहित उच्च अधिकारी हाजर रहा। नर्मदा पुलिस महाराष्ट्र में आता वाहनों कर रही है सघन चेकिंग, मतदारों ने रिझवा, अन्य राज्य में आता दारू और रूपया की हेराफेरी पर बाज नजर। सागबारा धनसेरा चेकपोस्ट पर कड़क चेकिंग, नर्मदा जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे ने टीम की कड़क कार्यवाही, सरहदों सील थता बूटलेगरों में मची दौड़धाम। भावनगर काड़ियाबीड विस्तार में मिलो शंकास्पद दारूखा जत्थो, गोकुलधाम सोसायटी रहनाक मकान में मिलो जत्थो, पुलिस दारूखा जत्था अंगे वधु तपास हाथ धरी।
મોરબીની સબજેલમાંથી કેદી પાસેથી મળ્યો મોબાઈલ, ગુપ્ત ભાગે સંતાડેલ મોબાઈલ જપ્ત કરાયો તો અન્ય એક આરોપીએ જેલ કર્મચારી સાથે કર્યું અસભ્ય વર્તન. મોરબી સબજેલમાં કેદી કર્યો આપઘાત, હળવદ દુષ્કર્મ કેસના આરોપીએ જેલના બાથરૂમમાં ગળે ફાંસો ખાધો. ઘટના અંગે સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં એડી નોંધાવી. મહીસાગરના લુણાવાડામાં આગરવાડા પુલ પરથી અજાણ્યા યુવકે ઝંપલાવ્યું. પુલ પરથી છલાંગ લગાવતો વીડિયો થયો વાયરલ. મૃતક કોણ છે તે અંગે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. કચ્છની કેનાલમાં ડૂબવાથી 5 લોકોના મોત થયા. મુંદ્રાના ગુંદાલા પાસે કેનાલમાં ડૂબવાથી થયા મોત. તમામ મૃતકો એક જ પરિવારના. તમામ મૃતદેહને હોસ્પિટલ ખસેડાયા. પાવાગઢમાં અન્નકૂટ મહોત્સવની ઉજવણી. ચંદ્રગ્રહણ નિમિત્તે મોકૂફ રખાયો હતો અન્નકૂટ. 225 વિવિધ વાનગીઓ સાથે માતાજીને અન્નકૂટ ધરાવાયો. બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ભક્તો કરી શકશે દર્શન. ગુજરાતવાસીઓને ઠંડીની જોવી પડશે રાહ. એક દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે, એક દિવસ બાદ તાપમાન 2-3 ડિગ્રી વધી શકે. ચાલુ માસે કોલ્ડવેવની કોઈ સંભાવના નહીં. ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં પડશે ઠંડી. ધોરાજી બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં અન્નકૂટ મહોત્સવ સાથે 6ઠો વાર્ષિક પાટોત્સવ યોજાયો. હરિભક્તોએ દિવ્ય મહાઆરતી અને અન્નકૂટ મહાદર્શનનો લાભો લીધો. મંદિરના સંત બાલકૃષ્ણ સ્વામીએ લોકોને અચૂકપણે મતદાન કરવાની અપીલ કરી. મોરબી તાલુકા બ્રહ્મ સમાજી પુલ દુર્ઘટનામાં મૃતકોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ. વિષ્ણુ યજ્ઞ કરી મૃતકોની આત્માને શાંતિ મળે તેવી પ્રાર્થના કરી. પુલ દુર્ઘટનામાં 135 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. ભાવનગર જૂના બંદર રોડ પરના પ્લાસ્ટિકના ગોડાઉનમાં આગ. ફાયર બ્રિગેડની 26 ગાડીઓએ આગ પર મેળવ્યો કાબુ. આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ. લાખોના નુકસાનની આશંકા. અરવલ્લી ભિલોડા જનાલી ગામના લોકોએ કર્યો ચૂંટણી બહિષ્કાર. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવાની કામગીરી શરૂ ન થતાં ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી. જમીન મંજૂરી થઈ હોવા છતાં કામ શરૂ ન કરાયું. બોલીવુડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝની મની લોન્ડરિંગ કેસને લઈને સુનાવણી. પતિયાલા હાઉસ કોર્ટે અભિનેત્રીના જામીન મંજૂર કર્યા. કોર્ટે 2 લાખ રૂપિયાના બોન્ડ અને 2 લાખ રૂપિયાના જામીન આપવા કહ્યું. આજે શહડોલમાં જોવા મળશે આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની જલ જનજાતીય ગૌરવ દિવસ પર મેગા આયોજન. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ થશે સામેલ. આજથી લાગુ થશે પેસા એક્ટ. પીએમ મોદીએ ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આદિવાસી સમાજને પાઠવી શુભેચ્છાઓ. જનજાતિ ગૌરવ દિવસના અવસરે પીએમ મોદીએ આદિવાસી સમાજને કર્યું સંબોધન. પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ઇન્ડોનેશિયામાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બાલીમાં મોદીનું ઇન્ડોનેશિયા રાષ્ટ્રપતિને ભારતીયોએ કર્યું સ્વાગત. G20ના 2 સત્રમાં ભાગ લેશે નરેન્દ્ર મોદી. તો હવે નજર કરીશું Top 3 News પર. પ્રધાનમંત્રી મોદી 19 અને 20 નવેમ્બરે આવશે ગુજરાત. વાપીમાં રોડ શો ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રમાં 4 જનસભાને સંબોધન કરશે મોદી. ગુજરાતમાં ફરી ભાજપ સરકાર બનશે અને ભૂપેન્દ્ર પટેલ જ બનશે મુખ્યમંત્રી. News18ના ગુજરાત અધિવેશન કાર્યક્રમમાં બોલ્યા અમિત શાહ. કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમનું નામ ફરી સરદાર પટેલ કરવાના વાયદા પર શાહનો પ્રહાર. કહ્યું કોંગ્રેસને સરદાર સાહેબનું નામ લેવાનો પણ નથી અધિકાર. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો News18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.